ये कहानी है उस बहादुर मेवाती मुस्लिम सिपाही की, जिसके बारे में आज कोई बात नहीं करता। साल 1527 और महीना था मार्च का। उस वक्त पहला मुगल बादशाह यानी बाबर हिंदुस्तान में अपने पैर जमाने की कोशिशें ही कर रहा था, और सामने थी राणा सांगा की 1,00,000 की राजपूत फौज। बाबर के पास सिर्फ 40,000 सिपाही थे, यानी दुश्मन के आधे से भी कम। लेकिन बाबर की फौज के सिपाहियों के पास घुड़सवार, तोपे और तजुर्बा बखूबी था। बादशाह बाबर ने कई राजपूतों को भी अपनी फौज में शामिल कर लिया, लेकिन राणा सांगा की फौज में एक बहादुर सिपाहसालार यानी कमांडर भी था, का नाम था हसन खां मेवाती। बाबर को भी मालूम था कि हसन खां ही वो अकेला इंसान है जो जंग का तख्ता कभी भी पलट सकता है। सुल्तान बाबर ने हसन खां को अपनी फौज में शामिल करना चाहा, लेकिन काफी दौलत और राजगद्दी के ऑफर मिलने के बावजूद भी हसन खां मेवाती ने गद्दारी नहीं करी। हालांकि वो एक मुसलमान थे, फिर भी वो राणा सांगा की तरफ से ही लड़े, जबकि कई राजपूत दौलत के लालच में आकर मुगल फौज में दाखिल हो गए थे। लेकिन जी जान लगा देने के बाद भी जीत मुगलों की हुई। हसन खां मेवाती हमेशा के लिए अमर हो गए। दुखी की बात यह है कि आज उसी मेवात से दंगों की खबर आती है।